स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फतेहाबाद में सीएम मनोहर लाल ने तिरंगा फहराया है। उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 8.5 सालों में हरियाणा प्रदेश में सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई गई, जिसका लाभ गरीब परिवारों को मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म किया तो राम मंदिर का निर्माण किया, तो वहीं वन रैंक वन पेंशन योजना लागू किया है। करनाल में स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय समारोह करनाल की अनाज मंडी में आयोजित किया गया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पहले जिला सैनिक बोर्ड पहुंचकर के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद नई अनाज मंडी में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली है। शिक्षा मंत्री ने मंच से संबोधित करते हुए पहले सभी देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। भिवानी में भीम खेल परिसर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया है, जिसमें बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है और राष्ट्रगान की धुन के साथ तिरंगा फहराया है। इस दौरान भिवानी डीसी नरेश नरवाल और एसपी वरुण सिंगला भी मौजूद रहे। समारोह में विभिन्न स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। फरीदाबाद में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह सेक्टर 12 के हेलीपैड ग्राउंड में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसमें राज्य मंत्री संदीप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली है। इससे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। मंत्री संदीप सिंह ने रिटायर्ड सेना के जवानों से मुलाकात की और उनसे हाथ मिलाया। हरियाणा के निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस पर कैथल में ध्वजारोहण किया है। पुलिस लाइन मैदान में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी लेने के बाद जिले के लोगों को संदेश दिया। जींद में भी स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली ने जींद के एकलव्य स्टेडियम में तिरंगा झंडा फहराया और उसके बाद परेड की सलामी ली। इस दौरान डीसी डॉक्टर मनोज कुमार, एसपी सुमित, दूसरे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। अम्बाला सिटी में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया है, जिसमें राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। यहां उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली है। झज्जर में भी स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। बस स्टैंड वर्कशॉप में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में पहुंचने पर राज्य मंत्री का जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने ध्वजारोहण करने के बाद परेड का निरीक्षण किया। पलवल में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने ध्वजारोहण किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में उन्होंने शहीदों को नमन किया और ध्वजारोहण के बाद परेड का निरीक्षण किया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में पुलिस की पुरुष एवं महिला टुकड़ी, एनसीसी और होमगार्ड की टुकड़ी द्वारा मार्च पास्ट किया गया। तोशाप में उपमंडल स्तर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह चौधरी सुरेंद्र सिंह खेल परिसर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस कार्यक्रम में चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवा ने ध्वजारोहण किया है, परेड की सलामी ली है और इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने हम सभी भारतीयों का भविष्य उज्ज्वल करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और देश को उनके बलिदान पर हमेशा ही गर्व रहेगा। एलाहाबाद के सरकारी स्कूल में ब्लॉक स्तर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंडलाधीश डॉक्टर वेद प्रकाश बेनीवाल ने ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली।
भवानीखेड़ा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें विधायक विशंभर सिंह वाल्मीकि शामिल हुए हैं। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पूरी यात्रा के दौरान नगरवासियों में भारी उत्साह दिखाई दिया है और दौरान विधायक विशंभर सिंह वाल्मीकि ने कहा है कि देश को आजाद कराने में लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, उनके बलिदान को देश सदैव याद रखेगा।